New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word. चलिए अपने वचन में जाएंगे. सभी लोग अपना बाइबल खोलें इस वक्त. Turn with me in your Bibles to the book of Romans chapter 12 and verse 1. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय रोमियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला वचन. And I'm reading from the New King James version. और पढ़ रहे हैं इस समय न्यू किंग जेम्स के संस्करण में से. The scripture says, वचन कहता है, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. देखिए वचन ऐसा कहता है यहाँ पर, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी मानसिक सेवा है. Now please listen very carefully. अब चाहते हैं कि बड़े सावधानी से आप सुनिए. We read the same scripture in Romans 12:1 in the Passion translation. और देखिए इसी वचन को रोमियों की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन को पैशन ट्रांसलेशन जो संस्करण है उसके जरिए पढ़ेंगे. It's one of my favorite translations. पासबन जी का एक पसंदीदा ये संस्करण है. It's got a very fresh exposition of the God's word. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है इस वक्त. It says, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? देखिए वचन कहता है, प्रिय मित्रों, परमेश्वर की अद्भुत दया के प्रति हमारी उचित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? This is a question. ये एक सवाल है. And now to answer that question, see what the answer is. और देखिए उस सवाल का जवाब देते हुए देखिए यहां पर उत्तर क्या आ रहा है. To surrender ourselves to God to be his sacred living sacrifices. So the first thing is surrender. और देखिए वचन में आगे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए, उनके पवित्र जीवित बलिदान होने के लिए. देखिए तो यहां पर पहली चीज जो होती है वो है समर्पण. The second thing, दूसरी चीज is living sacrifices. वो है जीवित बलिदान. The third one, और तीसरा जो है, is to live in holiness. वो है पवित्रता में जीना. And further on says, experiencing the delights in his heart, for this becomes your genuine expression of worship. और देखिए आगे लिखा है, और पवित्रता में रहो और वह सब अनुभव करो जो उसके हृदय को प्रसन्न करता है. इसके लिए देखिए आपकी आराधना का प्रतिरूप बन जाता है. Three things over here. तीन चीजें यहाँ. Surrender. पहला जो है वह है समर्पण. Living sacrifice. दूसरा जो है जीवित बलिदान. Live in holiness. पवित्रता में जीना. And the fourth one, experiencing all that delights his heart. और चौथा जो है वो सब चीज का अनुभव करना जो परमेश्वर के दिल को प्रसन्न करता है. Now I want to take this up right now. और देखिए इसे आगे लेते हुए, one of the stories in the Bible that really amazes me, that really, you know, inspires me, is the story of Abraham and how he decided to sacrifice his only son Isaac to God. और देखिए एक कहानी जो पासबान जी बताते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा उत्साहित और प्रेरणादायक ऐसे भाविक के अंदर डाल देती है, वो ये है कि अब्राहम और इसहाक की कहानी, और कैसे अब्राहम ने अपने बेटे को लिया बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की खातिर. The first thing that impresses me is the level of surrender that Abraham had. पहली बात जो बहुत ही प्रेरित करती है वो यह है कि समर्पण का किस प्रकार का स्तर अब्राहम के पास था. The level of surrender that Abraham had towards God. और परमेश्वर के प्रति अब्राहम के अंदर किस प्रकार के समर्पण का स्तर था उस वक्त. The level of submission that Abraham had towards God. और परमेश्वर के प्रति अब्राहम के अंदर आधीन रहने का वो स्तर. He did not question God. उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया. God said, you got to do this. परमेश्वर ने उससे कहा तुम ये करना है. And he said, yes, sir. और उसने कहा ठीक है. Just imagine this. जरा कल्पना करें. He had been yearning for a child for over 90 years of his life on this earth. और देखिए अपने जिंदगी के 90 साल तक जब वो धरती पर था, बच्चे के लिए, संतान के लिए वो बहुत ही बेकरार था. And finally, when he got that child, और आखिर में जब उसको बच्चा हो जाता है, God demanded the child Isaac as a sacrifice. तब परमेश्वर उससे मांग करता है कि उस बच्चे को वो बलिदान के रूप में चढ़ाए. And Abraham says yes to that. और हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से हाँ कहता है. The first thing is surrender. पहली चीज जो है वो है समर्पण. It's amazing. अद्भुत. Let's go to Genesis 22 and verses 2 and 3. उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसके दूसरे तीसरे वचन. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, as if God did not love him, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. फिर परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को, अर्थात अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जैसे कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता था उससे. आगे देखिए लिखा है, साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा. The next thing we see is sacrifice. और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वह है बलिदान. What's the response of Abraham? अब्राहम का प्रत्युत्तर क्या था यहाँ? Watch this, verse 3. तीसरे वचन में देखें. Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son.
देखिए वचन में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने बेटे इसहाक को साथ लिया। And he split the wood for the burnt offering and rose and went to the place of which God had told him. और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे किया था। Notice over here that Abraham is now ready to offer his son Isaac to God. और गौर करें यहाँ पर कि अब्राहम अब तैयार है अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के खातिर बलिदान चलाने को। You know, as I was meditating upon this, I wrote it down. और जैसे पासवान जिस पर मन कर रहे थे उन्होंने लिखे हैं। God gave me an insight into sacrifice. परमेश्वर ने बलिदान पर आधारित कोई अंतर्दृष्टि को दे दिए। Sacrifice is not just giving God something that matters to you. और देखिए बलिदान का मतलब परमेश्वर को कुछ ऐसा नहीं देना जो आपके लिए मायने रखता। It is giving to him what matters to you in the way it matters to him. और देखिए वो देना जैसे कि आपके लिए मायने रखता है लेकिन उस तरीके से जो उसके लिए मायने रखता है। Are you listening right now? आप समझ रहे हैं? You can't just pick up and give anything to God because it matters to you. और you बस give it. आप कुछ भी उठाकर यूं ही परमेश्वर को नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके लिए मायने रखता है। You are giving what really matters to him in a way that matters to him. और देखिए आप जो देते हैं ये उसके लिए मायने रखता है। Wow. उस तरह से जैसा उसके लिए वो मायने रखता है। Listen to this. सुनिए यहाँ से। The second thing I see is the submissiveness of Isaac. और दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है इसहाक किस तरह से अपने पिता की आज्ञा के प्रति अधीन रहा। He maybe he was an 18 year old guy or something like that, young guy. और शायद हो सकता है कि उसकी उम्र तब 18 साल या ऐसे ही कुछ लगभग रही होगी, वो नौजवान युवक था। He didn't see the ram, he didn't see the sacrifice for the offering towards God, and still he followed Abraham his father. और देखिए उसके पास उसको देखने के लिए कोई मेढ़ा या मेमना जैसा बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था वहां पर, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के पीछे हो लिया। That's trust. यह भरोसा। You see, sacrifice can never happen if there is no trust. देखिए बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि अगर भरोसा ना हो तो। You will never sacrifice anything if there is no trust. अगर कोई भरोसा आपके अंदर ना हो किसी के प्रति तो देखिए आप कभी कुछ वो बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। The foundation for sacrifice is trust. बलिदान की बुनियाद जो है वो है भरोसा। The foundation for sacrifice is love. बलिदान की बुनियाद है प्रेम। What is a sacrifice? ये बलिदान क्या है? A sacrifice is the anything that takes away your ease, your comfort from you. और बलिदान कोई भी वो चीज है जिसको आप देखिए आपसे वो आरामदायक स्तर या फिर आपका आसान तरीका ले लेता है। Apostle Paul in Romans 12:1 he calls it a living sacrifice, a third thing. और प्रेरित पौलुस जो है या रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में जीवित बलिदान तीसरी चीज जीवित बलिदान के बारे में कहता है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? What is a sacrifice in New Testament theology? It anything that takes, you know, you crucifies yourself, anything that crucifies the flesh, your thinking, your patterns of life is a sacrifice. और नए नियम के मुताबिक ये बलिदान क्या है? कोई भी वो चीज जो आपके सोच विचार के तरीकों को आपके देखिए व्यक्तित्व का या फिर आपकी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाता है, यही तो एक बलिदान है। In the New Testament, नए नियम में, Apostle Paul brings this new concept of sacrifice. He calls it the living sacrifice. बलिदान की एक नई विचारधारा को वो सबके सामने पेश करते हैं और वो उसे नाम देते हैं जीवित बलिदान के रूप में। In the Old Testament, पुराने नियम में, you know, the lambs, the rams, the bulls, the goats, और वहाँ पर हम देखते हैं मेढ़ों को, बैल, बकरे या फिर मेमनों को, they were killed. उनको मार डाला जाता and था। That was it. और यही होता था। They were sacrifices. और वे उसका बलिदान करते But थे। They were never living sacrifices. लेकिन कभी वो जीवित बलिदान नहीं कहलाते थे। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में, there's a new thing called living and sacrifice. यहाँ पर एक नई चीज, नई विचारधारा मिलती है, जीवित और बलिदान। Today we don't offer animals, we don't offer things to God because you see Jesus Christ is the ultimate and the perfect sacrifice. और देखिए आज हम परमेश्वर के लिए कोई जानवर या कोई ऐसी चीजों को बलिदान करके नहीं चढ़ाते क्योंकि हम देखते हैं यीशु का बलिदान ही एकमात्र प्रमुख और सिद्ध बलिदान है। When you say living sacrifice, it's not a call to physical death, but it's a call to your death of your inner self. और देखिए जीवित बलिदान जब इसे कहते हैं तो इसका मतलब शारीरिक तौर पे आपका मरना नहीं, लेकिन ये आपके अंदरूनी हिस्से का मरना होता है। Where you are submitted to what God's word says. जहाँ पर आप अपने को उसके लिए समर्पित करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। It's not your will anymore. It's His will now that you live for. देखिए अब ये आपकी मर्जी नहीं रह जाती, लेकिन ये उसकी मर्जी रह जाती जिसके मुताबिक आप जीने लगते हैं। You know the Bible speaks about this sacrifice. देखिए बाइबल बलिदान के रूप में बताती है। Go with me now. आगे बढ़ेंगे। 13 right now. Come on. चलिए निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय में। And verse 15. उसका 15वां वचन। Therefore. इसलिए By him let us continually offer the sacrifice of praise to God.
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर का सर्वदा चढ़ाया करें द सैक्रिफाइस व्हाई इट्स कॉल्ड अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज और क्यों ये स्तुति रूपी बलिदान कहलाता है व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब जब आपके पास कोई नौकरी when नहीं व्हेन देयर इज नो फूड एट होम जब घर में खाने के लिए you खाना still नहीं लिफ्ट योर हैंड्स एंड से गॉड यू आर होली फिर भी आप अपने हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं परमेश्वर तू पवित्र है दैट्स कॉल्ड अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज यही तो कहलाता है स्तुति का बलिदान व्हेन नथिंग इज रियली हैपनिंग जब सचमुच में कुछ हो नहीं रहा you still get up in the morning and you pray फिर भी आप सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं it's called a sacrifice of praise यही कहलाता है स्तुति का बलिदान you lift your voices to God आप आवाज को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर के प्रति the fruit of your lips होठों का फल that is called the sacrifice of praise यही कहलाता है स्तुति का बलिदान somebody lift your hands and shout hallelujah चलिए कोई तो अपने हाथों पर उठाकर चिल्लाएंगे hallelujah please understand what I'm saying right now मेहरबानी करके समझिए जो आपसे कहा जा रहा है the sacrifice of praise is very it's a very costly offering to God यह स्तुति का बलिदान जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती बलिदान है and today's teaching which I'm touching on right now और आज के शिक्षण में जैसे इस पे बात पे चर्चा कर रहे हैं morning prayer it's a call to sacrifice और देखिए सुबह की प्रार्थना ये भी देखिए एक बलिदान के लिए बुलाहट है It's a call to sacrifice. ये बलिदान के लिए बुलाहट है It's not easy. ये आसान नहीं It's putting mind over mattress. No, no, no. It's putting God over the mattress and above everything else. Hallelujah. Hello. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? It's a sacrifice. ये एक बलिदान है. Morning prayer is a sacrifice. सुबह की प्रार्थना एक बलिदान है. Let's go to 1 Kings 18 right now. चलिए निकालेंगे इस समय पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय. For any sacrifice. देखिए किसी भी बलिदान के लिए there has to be a foundation. Of an altar. वेदी की बुनियाद होनी जरूरी है Otherwise, नहीं तो you cannot host a sacrifice. आप उस बलिदान की मेजबानी नहीं कर सकेंगे. Please understand this. मेहरबानी करके समझिएगा. You just can't get up in the morning just like that. I want to talk to you how it happens. और देखिए आप यूं ही नहीं कर सकेंगे सुबह बस उठ जाए और कहने लगे नहीं नहीं कैसे होता है ये बताते हैं In the book of 1 Kings 18. और निकालिए पहले राजा की पुस्तक 18वां अध्याय. There was a battle between Elisha and the false prophets of Baal. वहां पर आप देखते हैं एलिया का और वहां के बाल के जो झूठे पुजारी जो थे उनकी लड़ाई चल रही है. And Baal fails to answer his people. और देखिए बाल जो है नाकाम हो जाता है अपने लोगों के लिए उत्तर देने Now, में. Now here is what something Elijah does. Listen to this. और ध्यान से सुनिए यहां पर कुछ खास जो एलिया करता है. The first thing पहली चीज that Elijah does is जो एलिया करता है sets the wood on the altar in order. और देखिए वो लकड़ियों को वेदी पर रखता है सही व्यवस्थित तौर पे. Before there is a sacrifice. इससे पहले कि बलिदान हो. The wood represents humanity, flesh. लकड़ियां जो हैं ये इंसानियत या फिर शरीर को प्रस्तुत करती हैं. He sets it in order. He doesn't throw the wood. He sets it in order. और देखिए वो लकड़ियों को लेकर यूं ही नहीं फेंकने लगा, वो व्यवस्थित तौर पे रखने लगा. In other words, दूसरे शब्दों में, our life must be set in order. हमारी जिंदगी जो व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए. Before there is a sacrifice, इससे पहले कि कोई बलिदान चढ़ाया जाए, there must be a setting in order. और चीजों का सही व्यवस्थित होना जरूरी है. God will not eat from anywhere. परमेश्वर कहीं से भी लेके नहीं खाएगा. He will not receive any sacrifice. बस कोई भी वो बलिदान को ग्रहण नहीं कर ले. One day the scripture says a man comes to offer a sacrifice at the altar. और एक दिन ऐसा होता है, एक वचन में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति आता है वेदी पर कुछ बलिदान चढ़ाने को. And he has something against his brother. और उसके दिल में उसके भाई के खिलाफ में कुछ बातें होती हैं. And God says, परमेश्वर कहता है, I will not accept the sacrifice. मैं उस बलिदान को ग्रहण नहीं करूंगा. He says, keep your sacrifice over there. और वो कहता है कि अपना बलिदान अपना भेंट वहीं रख दो. Keep your gift over there. अपनी भेंट को वहीं रख दो. Nothing wrong with your gift. तुम्हारे भेंट में कोई खराबी But नहीं. But still, I will not accept it. लेकिन फिर भी मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा. Because your life needs to be in order. क्योंकि तुम्हारी जिंदगी व्यवस्थित होनी जरूरी है. Somebody needs to shout amen and receive. चलिए कोई तो चिल्लाए आमेन, मैं ग्रहण करता हूं. How this thing happens? तो कैसे ये चीजें होती हैं? One of the ways you can set your life in order is by receiving Jesus Christ as your only Lord God and Savior. और एक तरीका जिससे आप अपने जिंदगी को व्यवस्थित तौर पे ला सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह को आप अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें. Surrender your life, submit your life to Him and to His Word. अपने जीवन को प्रभु और उसके वचन के प्रति समर्पित कर दीजिए. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Until you don't do that, जब तक ये नहीं करते आप, you know, you're just throwing the wood just haphazardly. तो बस इसका मतलब ये है कि आप लकड़ियों को बस यूं ही फेंक रहे हैं. The wood represents your life. लकड़ियां जो है ये आपके जीवन का को प्रस्तुत करती हैं. Host the sacrifice. जो कि उस बलिदान की मेजबानी करती है. There are many people they want to pray in the morning. और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सुबह प्रार्थना करना चाहते हैं. It doesn't really work for them. लेकिन ये उनके लिए काम नहीं कर पाता. Because you need to set your life in order. क्योंकि आपको अपनी जिंदगी को व्यवस्थित तौर पे रखना है. Somebody lift your hand and say I receive this word right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं. It's the life of Christ in
when it begins to flow inside of you, then everything that you do becomes a sacrifice acceptable to the Lord. तो देखिए जब मसीह का जीवन आपके अंदर बहने लगता है तो जो कुछ भी फिर आप उसके बाद करते हैं ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहरता है। Are you following me right now? समझ रहे हैं? Maybe you need to deal with unforgiveness. शायद हो सकता है कि अक्षमा से आपको निपटने की जरूरत है। And then you start offering that morning sacrifice to the Lord. उसके बाद फिर आप सुबह का जो बलिदान प्रभु के लिए चढ़ाना शुरू करें। You can't fight with everybody in your house, and next day early in the morning you can say Hallelujah, I love you, Lord. You know. और देखिए ऐसा नहीं कर सकते आपके घर में सभी लोगों से आप लड़ते झगड़ते हैं और फिर अगली सुबह उठकर Hallelujah, Hallelujah करते हैं। Make peace with your husband today. आज अपने पति के साथ मिल मिलाप कर लीजिए। You will see the fire fall on your sacrifice. Come on, come on. परमेश्वर की आग आपके बलिदान पर उतर आएगी। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Many people write to me. बहुत सारे लोग लिखते हैं। Pastor, I started praying in the morning. Nothing is happening. और पासवान जी मैंने सुबह प्रार्थना करना शुरू किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या साथ में? The fire is not falling, Pastor. पासवान जी आग नहीं उतर रही है। Put the wood in order. लकड़ी को सही तरह से रखें। Receive this revelation. Put the wood in order. और देखिए इस प्रकाशन को पा लीजिए कि लकड़ी को सही तरह से सजा कर रखें। Bring that sacrifice. Boom, the fire will fall. फिर उस बलिदान को सामने पेश करें। देखिए छट से आग उतर आएगी। Somebody lift your hand and say, I receive this word right now. कोई तो अपने हाथों पर उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। The second thing, दूसरी चीज़, when Elijah put the wood in order, जब एलिया ने लकड़ी को व्यवस्थित तौर पे सजाया, the next thing he did was he put the water. अगली चीज़ जो वो करता है वो है कि वो पानी डालता है। He put the water and the water ran on the sacrifice. It ran in the wood. It ran into every part of the altar. और फिर उसके बाद जब पानी डालता है तो पानी जो है वेदी के चारों ओर और वो सारी जो चीजें रखी गई थी उन सब पर बहकर बह जाता है। Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। The water represents the word. पानी जो है यहाँ पर यह वचन को प्रस्तुत करती है। The next thing is this. और अगली बात। You allow the word to influence every part of your life. अगली बात यह है कि आप वचन को इजाजत देते हैं कि आपके जिंदगी के हर एक हिस्से पर प्रभाव डाले। It's not only that the word should touch your finances, it should touch every part of your life, your tongue, your hands, your lifestyle, every part of your life. और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये वचन जो है आपके पैसों को ही छुए, नहीं नहीं नहीं, आपके जबान को, आपकी आंखों को, आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र को छूना चाहिए। Any sacrifice that is not influenced, not ordered by the word becomes a fool sacrifice. देखिए कोई भी ऐसा बलिदान जिस पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ा है तो देखिए वो बेतुका सा घटिया सा ही एक बलिदान रहेगा। The Bible says, "Do not offer the sacrifice of fools." और बाइबल ऐसा कहती है कि मूर्खों का बलिदान न चढ़ाना। Jesus said, यीशु ने कहा, "You are not heard because of your many words." और तुम्हारे ज्यादा शब्दों के जरिए तुम सुने नहीं जाते। Then pastor, praying in tongues is not many words. That's it. It's led by the word. That is why you are heard. Come on, somebody receive right now. अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो ये ज्यादा शब्द नहीं होते, इसी में होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से होता है। So any sacrifice. तो कोई भी देखिए बलिदान। It has to be influenced. It has to be founded on the word of God. तो जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में पाया जाना, परमेश्वर के वचन का प्रभाव इस पर होना चाहिए। The word, let it influence every part of your life. वचन को इजाजत दीजिए कि आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाले। You see, the water was there on the sacrifice. Still the fire fell. Yes. और देखिए यहाँ पर बलिदान के ऊपर पानी डाला गया था, फिर भी आग उतर आई। I decree and declare. आदेश देते हैं, ऐलान करते हैं। The next morning, tomorrow. कल के सुबह है। As you lift your hands to God. जैसे आप अपने हाथ परमेश्वर उठाएंगे। Oh, the fire of God is going to fall. ओह, परमेश्वर की आग उतर आएगी। Hallelujah. मैं Hallelujah. And you know, everybody looking at that. और देखिए सारे लोग इसे देखकर। We'll say your God is the living God. Hallelujah. कहेंगे आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Hallelujah. Listening right now. आप सुन रहे हैं इस वक्त। Many of you have taken that step to say yes, Pastor. Now I'm going to pray in the mornings. और देखिए आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने यस कदम उठाने का निर्णय लिया है कि हाँ पासवान जी अब से मैं सुबह प्रार्थना करूंगा। Get your life right. अपने जिंदगी को सही कर लीजिए। Second thing. दूसरी चीज। Get the word in your life. वचन को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। Now please listen. सुनिए आप। If you don't have the word in your life. अगर आपकी जिंदगी में आपके पास वचन नहीं होता। What will happen? क्या होगा? God will say, this man is not listening to my word. I don't want to listen to his prayer. परमेश्वर कहेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे वचन को सुनना नहीं चाहता है, मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनना चाहूंगा। The Bible says, those who turn their ear from the word, his prayer also becomes an abomination. और बाइबल ऐसा कहती है कि जो लोग अपने कान को वचन सुनने से फेर लेते हैं, उनकी प्रार्थना जो घृणित ठहरती है, निधि वचन की पुस्तक में लिखा है। You know, many times in my 21 years of ministry now. और पासवान जी बताते हैं कि 21 साल के सेवकाई में बहुत बार। You know, many people, they don't come for worship, they don't come for word also. और देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना आराधना के सत्र के लिए आते हैं ना वचन के लिए आते हैं। Quietly they will come during the healing service. और खामोशी से चुपचाप वे चंगाई के सत्र में आ जाएंगे। I'm telling you. कहते हैं आप just when half an hour is there, बस आधा घंटा जो बचा हुआ they will enter.
वे अंदर आएंगे and the volunteers will tell them hey what happened और volunteers से पूछेंगे क्या हुआ I was stuck in a traffic jam मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था actually they were not stuck in a traffic jam दरअसल वे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए नहीं they were eating some missile pav around the, you know something here आराम से मिसल पाव खा रहे होते हैं yeah pastor am I right pastor knows I'm telling you कहते हैं आपसे The healing service, they will say, "Ah, chaloge ka, chaloge." चक्का के सत्र के दौरान वो पूछते हैं कि चलोगे क्या? हाँ, जब चलोगे तो आ जाते हैं अंदर. हाँ, then they will come in front, you know, and they will act very holy and all that stuff. आगे आकर देखे बड़ा पवित्र पवित्र जैसा हरकत करने लगेंगे. But rarely God touches them. लेकिन बहुत ही कम होता है कि परमेश्वर touch होता है. I have seen the people. पासवान जी ने लोगों को देखे हैं. Those who will come worship Him, those who will attend the word. God will start talking to them. और जो लोग आकर आराधना करते हैं वचन की सेवकाई को ग्रहण करते हैं फिर परमेश्वर से बात करने लग जाता है I'm telling you, कहते हैं आपसे simple people, सीधे साधे लोग And I say, why Lord you're talking to this person? And suddenly after a week, two weeks, they will come and give their testimony. Pastor, you said this, 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 this. Everything has happened. And I'm saying, God, you are amazing. प्रभु आप इन लोगों से सीधे साधे लोगों से क्यों बात करें फिर दो तीन हफ्ते के बाद वे आकर गवाही देंगे पासवान जी आपने ऐसा कहा था वैसा कहा था ये सारी चीजें हो गई फिर सोच में पड़ जाते परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत है इफ यू वांट फायर टू फॉल इन योर मॉर्निंग प्रेयर तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर की आग उतर आए यस मॉर्निंग प्रेयर इज अ सैक्रिफाइस जी हां सुबह की प्रार्थना एक बलिदान है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8 o'clock इन द मॉर्निंग और 10 o'clock इन द मॉर्निंग और देखिए सुबह के 8 बजे की दैट्स ऑलरेडी मिडडे या फिर सुबह 10 बजे की प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहे ये तो तड़के सुबह की नहीं है ये तो आधा दिन गया है Are you listening? Early morning prayer is a sacrifice. और तड़के सुबह की प्रार्थना जो होती है एक बलिदान होता है। I want to share this. और आपसे बांटना चाहते हैं। Do you want the fire to fall there? क्या आप चाहते हैं कि आग उतर आए वहाँ? Then listen to this. तो सुनिए। The first thing. पहली चीज़। Is you need to get your life in order. जरूरी है कि आप अपने जीवन को सही व्यवस्थित कर लें। Second thing. दूसरी चीज़। Allow the word to influence you. वचन को इजाजत दीजिए कि आप पर प्रभाव डाले। Every area of your life. आपके जिंदगी हर एक क्षेत्र पर। Your finances. आपका पैसा। Do what the word says. जो वचन कहता वह करिएगा। The next morning when you Just lift your hands. और आप पाएंगे कि अगली सुबह जब आप बस अपने हाथ उठाते हैं the Holy Spirit fire will fall. झट से पवित्र आत्मा की आग उतर आएगी I met a great prophet of God recently. हाल ही में परमेश्वर के एक महान भविष्यवक्ता जी से इनकी मुलाकात हुई And I was talking to this great man of God. परमेश्वर के महान जन से पासवान जी बात कर रहे थे Listen to this. सुनिए ध्यान से I said, man of God. इन्होंने कहा परमेश्वर की How does the presence of God come so quickly in your services? आपकी सभाओं में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी जल्दी से कैसे आ जाती है This was in the year 2019, okay? 2019 की बात है ये And he said something very powerful. और उन्होंने कुछ बहुत ही जबरदस्त बताया He says, Michael, उन्होंने कहा माइकल If you want to see the fire fall in your private time, अगर तुम देखना चाहते हो परमेश्वर की आग तुम्हारे गुप्त समय में आए Yes, I want to see the fire fall. हाँ मैं आग देखना चाहता हूँ Then it's what you do during the rest of the day determines The fire of God falling during your prayer time. How many of you understand right तो now? तो बाकी बच्चे वे दिन में तुम क्या करते हो यही निर्धारित करती है कि आपके प्रार्थना समय में कैसी आग उतरेगी। That's where my other two points come in, putting your life in order. और यहीं पर दूसरे मुद्दे जो है लागू होते हैं अपने जीवन को सही व्यवस्थित करें। Second, दूसरी allowing the word to direct you. और इजाजत देना है कि वचन ही आपको मार्गदर्शित करे। And the next morning, और अगली सुबह, when you come in. जब आप आते हैं you just raise your hands. आप बस अपने हाथ उठाते हैं There will be no struggle. और कोई संघर्ष नहीं होगा you see, the fire will fall. आप देखते हैं आग उतर आएगी I hope this is a blessing to you what I'm sharing right now. आशा करते हैं कि जो अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम साझा कर रहे हैं आपके आशीष It's not easy, church. It's not everybody can't do it. और प्रार्थना करना ये कोई आसान बात नहीं है देखिए हर कोई ये नहीं कर सकता Anybody can preach. हर कोई प्रचार कर सकते हैं I'm telling you, you know, there are so much stuff on the internet. और देखिए बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी Everybody is a preacher nowadays. हर कोई वहाँ पे आपको प्रचार के रूप में मिलेंगे No, sir. नहीं जनाब To pray प्रार्थना करने is a call to sacrifice. ये एक बुल्लाहट है बलिदान की It's an offering to God. ये परमेश्वर की भेंट है How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त This is how you allow the fire to fall in your morning prayer. इसी तरीके से देखिए आप इजाजत देते हैं कि परमेश्वर की आग आपकी सुबह की प्रार्थना में उतरे I hope this nugget has been a blessing to you. और आशा करते हैं कि ये नुस्खा जो है आपके लिए एक आशीष बन रही है You go from faith to faith, glory to glory. आप लगातार विश्वास से विश्वास और महिमा से महिमा के स्तर में जाएंगे। Every day of morning prayer will not be a drag. You know, sometimes if you don't allow this thing to happen, your flesh will start screaming in the morning. और देखिए, जब आप इन चीजों को अपने लिए होने की इजाजत नहीं देंगे, तो देखिए आपका शरीर जो है सुबह के समय चिल्लाने लगेगा। You'll feel drowsy. आपको एकदम थकावट जैसी महसूस होगी। No. This will not happen. ऐसा नहीं होगा. Because all throughout the day, your flesh has already been dealt with. Now in the morning, everything, the altar is in order, the wood is in order, the water is flowing, and you say, God of heaven and earth, come.
the anointing will fall. क्योंकि पूरे दिन भर में देखिए आपके शरीर अच्छे से आपने निपटा है और फिर उसके बाद आपने लकड़ियों को सही तरह से रखा है उस पे पानी भी अच्छे से बह चुका है और फिर उसके बाद जब आप अपने हाथ उठाकर स्वर्ग पृथ्वी के परमेश्वर को पुकारते हैं तुरंत परमेश्वर की आग उतर आएगी. So may God speak to you. तो परमेश्वर ही आपसे बात करे. Please obey this. मेहरबानी करके इसका पालन करें. And you will see your morning prayer becoming more and more exciting and more fire filled in Jesus name. और आप पाएंगे कि आपकी सुबह की प्रार्थना जो है और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा रोमांचित और आग से भरी हुई मिलेगी. Lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं. Father, I pray God. मैं प्रार्थना करता हूं that people those who are receiving this word master. कि जो लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं स्वामी. How the fire can fall in their morning prayer. कि कैसे आग जो है उनकी सुबह की प्रार्थना में उतर सकती है. Let them do it Lord. होने दे प्रभु ये करने पाए. Let them grow Lord. ये बढ़े प्रभु. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And all God's people said. और परमेश्वर सभी लोगों ने कहा. Amen.